साथियों, आज 18 जनवरी का मैंने नई दिल्ली से पर्चा भर दिया है और अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से मिलना, जनता से बात करना हमारा जो चुनाव चिन्ह है, चकला बेलन, चपाती रोलर। इसलिए मैं सब्जी मंडी जहां से लोग सब्जियां लेकर के अपने घरों में जाते हैं, वहां से मैंने ये आगाज कालीबाड़ी से शुरू किया है, पेशवा रोड से। और हमारे साथ जो है राष्ट्रीय महागठबंधन का और राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा का और कई गठबंधन का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं खुद एक अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और इस हैसियत से मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए, मानवता को लाने के लिए हम लोग जो है आगे आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि दिल्ली के सरकार में हमारी गठबंधन, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा का गठबंधन और राष्ट्रीय मोर्चा, ये सब हमारा ही है। हमने राष्ट्रीय मोर्चा का गठबंधन मैंने ही किया था, मैं ही उसका प्रतिष्ठापक हूँ। तो इस तरह से हम लोग सब मिलकर के काम कर रहे हैं और हमें सभी साथियों का प्यार मिला है, और लोगों ने मुझे नई दिल्ली से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। मुझे उस पे खरा उतरना है और 70 के 70 विधानसभा में हम लोग लड़ने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी, ये ऐसा उम्मीद है। जैसा कि आज हमारे MU दुआ जी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरा है, हम मानते हैं कि ये जीतेंगे। और उप मुख्यमंत्री सविता देवी गुजर जो चुनाव लड़ रही है कलाम नगर से, ये भी जीत के आएंगी। हमारा संकल्प है, हमारा दिल्ली और हमारा संकल्प, हम मिलकर जीतेंगे। जैसा कि भारत अभ्युदय पार्टी, एरा नेशनल पार्टी और बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, हमारी जीत निश्चित है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सविता गुजर है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये इनकी सीट जरूर निकले। आप दिल्ली में जिस तरीके से प्रत्याशी हैं तो वहाँ की जनता भी आपको देखना पसंद करेगी, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी भी है, तो क्या कहेंगे आप उप मुख्यमंत्री के रूप में? महिला के विकास के लिए। और हम लोग जो हैं एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम, चार पहियों की गाड़ी को लेकर चल रहे हैं। और हम ये एक बात और बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए 10-12 लोगों के नाम से सहमति नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुश्किल से हमने रिक्वेस्ट करी, जब कोई मुख्यमंत्री बन पा रहा था, डॉक्टर MU दुआ जी से कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं, और इन्होंने इस पद को स्वीकार किया। हम इनके आभारी हैं और हमें आशा है कि हम एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ जीतेंगे। और एक बात और बताना चाहते हैं कि यह जो पिछली सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, इसने इसकी एक पहिया झूठ का था, दूसरा पहिया लूट का था, तीसरा पहिया भ्रष्टाचार का था, और चौथा पहिया महंगाई का था। तो मैं आपको बता दूं कि अब ये जो झूठ और लूट की सरकार थी, ये अब जाने वाली है। इसने 5 साल में क्या किया? 5 साल में केजरीवाल ने वो काम किया, जंगल में मोर नाचा। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। ये लंबी पंपलेट फाइल बना दी कि हमने ये किया, कुछ नहीं किया है। दिल्ली का जो विकास था वो विनाश हुआ है। हमें आशा है कि डॉक्टर MU दुआ जी के नेतृत्व में दिल्ली जो है हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी कैपिटल बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग और हाईवे का पूरी दुनिया में सबसे अच्छा होगा। तो मैं अलमदार अब्बास यही कहना चाहता हूँ अंत में कि आप लोग चकला बेलन पर बटन दबाकर और नई दिल्ली से MU दुआ जी को जिताइए और अधिक से अधिक सीटें लाके सरकार बनवाइए। जय हिंद, जय भारत। ये हम दुआ साहब को इसलिए लाए हैं, ये मानवा अधिकार की सिक्योरिटी भी है और पूरे जनता की हिफाजत के लिए आए हैं। और ये जो बाहर दिल्ली सरकार जो आई है, ये सिर्फ धोखाधड़ी करने आई है और ये जो है देश बांटने के काम कर रही है। ये BJP के बी टीम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये BJP के बी टीम रहे या ना ये टीम रहे। हम दुआ साहब को लेकर आ रहे हैं, जनता के काम करने के लिए लेकर आए हैं और काम करेंगे। ये जो है NRC के मुद्दे पर समर्थन किया, 370 पे समर्थन किया, और आज JNU से लेकर जामिया के स्टूडेंट के साथ ये समर्थन किया कि ये कैसा होना चाहिए। BJP के समर्थन देने वाले हमारे दुआ साहब ने JNU के साथ बच्चे के साथ खड़े थे और जामिया यूनिवर्सिटी के बच्चे के साथ खड़े थे। हम ऐसा लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसे हम कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। हमने केजरीवाल को जिताने नहीं आए हैं, हम दुआ साहब को जिताने आए हैं। जय हिंद। एक बात मैं आपको बता दूँ, NRC और जो है
370 वगैरह की बात हो रही है, वहाँ चुपके चुपके रेलवे, पूरा रेलवे को इन्होंने भेज दिया, ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, सारे एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया गया है। तो ये जो चुपके चुपके लोकतंत्र को बेच रहे हैं, उसको हमें जवाब देनी होगी। ये सारे के सारे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, ये लूट का जो माहौल बना रखा है। इसीलिए मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता मैदान में आया हूँ, मुझे विश्वास है इस काली बारी और यहाँ की जनता और यहाँ के नौजवानों पे कि वो हमें जिताएंगे और चकला बेलन पे बटन दबाएंगे। जय हिंद।